अयोध्या नगरी तैयार है, मिथिला का अद्भुत श्रृंगार है और रघुनंदन की बारात में भीड़ अपार है। जी हाँ, अवधपुरी नगरी से श्रीराम की बारात रवाना हो चुकी है। श्रीराम भगवान साजो साज के साथ माँ सीता के वरण के लिए जनकपुर रवाना हुए। इस मौके पर तैयारियां जोरदार रही, भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। अयोध्या के कारसेवकपुर से सुबह श्रीराम की बारात रवाना हो चुकी है। ये बारात 3 दिसंबर को जनकपुर पहुंचेगी, जहां विवाह के 3 दिनों की रस्म अदायगी के बाद 6 दिसंबर को जनकपुर के सीता मंदिर में हजारों भक्तों की मौजूदगी में बेहद भव्य वातावरण में सीता संग श्रीराम का विवाह होगा। बहुत अच्छे से देख रहे हैं, बहुत पहले से ज्यादा एक्साइटमेंट है, खुशी है। बड़ा लंबे टाइम के बाद ये पल आया है, लंबा संघर्ष रहा है, क्योंकि ये पल आने में भी बहुत समय लगा। बिल्कुल बिल्कुल रहा है और हमारे लिए भी रहा है, बड़ा इंतजार किया हमने। हम भी जाएंगे बारात में। कैसे खुशी है आज आप लोगों को? बहुत खुश हैं, बहुत उत्साह है। कितने दिन की यात्रा रहने वाली है? कुछ 15 दिन जी। 9 को हम भी 6 दिसंबर को विवाह पंचमी। कुछ तैयारियां आप लोगों की पूरी हैं इस बारात को? पूरी बहुत बहुत ज्यादा तैयारियां हैं। हम माता सीता के लिए राम जी को लेके जा रहे हैं। कुछ भजन गा दीजिए आप। करुण कहानी एक है चंदन, एक है पानी, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। बेशक ये विवाह मूर्तियों का होगा, पर भगवान श्री राम चारों भैया के स्वरूप भी अयोध्या से रवाना हुए हैं। भगवान सीता का स्वरूप जनकपुर रहेगा। अयोध्या से रवाना होने वाली बारात में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सीधे जनकपुर पहुंचेंगे, जो राजा दशरथ की भूमिका में रहेंगे। अयोध्या के महंत राम अवतार दास गुरु वशिष्ठ की भूमिका में 200 बारातियों के साथ अयोध्या से रवाना हो चुके हैं। यात्रा में अयोध्या के अनेक महंत शामिल होकर परम आनंद का अनुभव करने के पात्र बन रहे हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार श्रीराम बारात में देश भर का प्रतिनिधित्व दिखाई दे रहा है। लगभग 17 प्रांतों के राम भक्त बारात में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे और राम बारात के भव्य दृश्य के साक्षी बने। गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रकार से राम विवाह को दर्शाया है, जिसमें स्पष्ट हो जाए कि जो लौकिक में लोक में ये मानव का शादी किस प्रकार से होती है, उसी प्रकार से दर्शाया है। तो जो वहाँ पर धनुष टूट गया, धनुष टूटने के बाद में सब कहे भाई जब धनुष टूट गया तो विवाह तय हो गया, तो कहा नहीं, लोक रीत होना जरूरी है। तो सबसे प्रथम अयोध्या सूचना आई और अयोध्या में भगवान के चरित्र का जो वर्णन है वो चिट्ठी में लिख करके जनक जी के यहाँ से एक दूत लेकर के आया और ऐसे ऐसे हुआ और कहा बारात लेकर के आप चलिए, वहाँ विवाह हो जाएगा, क्योंकि जो धनुष था उसको तो राम ने तोड़ दिया, तो यहाँ से बारात जाती है। जैसे सब लोगों की बारातें सज की जाती है, उसी प्रकार से भरत जी को यह कहा गया कि आप बारात पूरी सजाइए, और उसे सजाया गया। उसमें वशिष्ठ जी की एक रथ तैयार हुआ और दशरथ जी का रथ तैयार हुआ और जितने लोग थे उन लोगों की सारी व्यवस्था हुई, तो यहाँ से रथ गया। तो इसे जो जिधर से गया है वो राम जानकी मार्ग आज भी है। चलिए पहले आपको एक बार फिर श्री राम बारात को लेकर चल रही तैयारियों की जानकारी दे देते हैं कि कैसी है राम विवाह की तैयारियाँ। चले रघुपति सिया बिहाने, अयोध्या के राम सेवकपुरम से बारात हुई रवाना। बारात के लिए विशेष रथ भी तैयार किए गए हैं। विशेष रथ में 51 तीर्थों से लाया गया जल रखा जाएगा। तकरीबन 500 बाराती जनकपुर के लिए रवाना हुए। तिरुपति के 40 पंडित विवाह संपन्न कराएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, रघुनंदन की विवाह की तैयारियों की लिस्ट भी इस कार्यक्रम की तरह भव्य है। रघुनंदन की बारात उत्साह और उमंग। बारात में 17 प्रांतों के लोग होंगे शामिल। भक्तों के वितरण के लिए देशी घी के लड्डू बनाए गए। लड्डू जनकपुर में बैना के तौर पर दिए जाएंगे। दशरथ की भूमिका में नजर आएंगे चंपत राय। अब एक मार्ग जनकपुर है और एक राग अयोध्या से जनकपुर में है, तो इस प्रकार से क्या हुआ। फिर वहाँ
किस प्रकार से किया गया, तो दोनों इधर से, उधर माम जी थे, इधर क्या उनका वशिष्ठ जी थे और लोग थे जो गुरु लोग थे, उन लोगों ने नियम बनाए कि किसी प्रकार से कैसे हो। पहले तो एक राम का ही होता था, तो वशिष्ठ विश्वामित्र जी ने कहा कि भाई एक ही आपके पास कन्याएं हैं आपके भाई की, तो चारों भाइयों की शादी हो जाए। तो चारों भाइयों को निश्चित हो गया और उनकी कन्याओं का यह निश्चित हो गया शादी करने के लिए चारों भाई की शादी हुई। इसलिए चारों भाइयों के लिए चार सुबेदी बनाई गई। जनकपुर को रवाना हुई ये बारात लगभग 7 दिन के भ्रमण और 20 अलग अलग स्थानों पर ठहरते हुए मिथिला की धरती पर पहुंचेगी और 6 दिसंबर को मां जानकी प्रभु श्रीराम के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान करेगी। जिस तरह जनकपुरी प्रभु श्रीराम के स्वागत के लिए पलकें बिछाए इंतजार कर रही है, अवध नगरी में भी मां जानकी के भव्य स्वागत की तैयारियां भी अभी से जुटने लगी हैं। ज्वेलर्स ने माता सीता के लिए विशेष गहने बनवाए, हजारों लोगों के खाने पीने का प्रबंध किया, वाराणसी की विशेष चाट का इंतजाम किया, कोलकाता से स्पेशल चाय की व्यवस्था की गई। बड़ी बातें कुछ ये भी हैं कि आखिर कैसे पूरी होगी श्री राम भगवान की विवाह की पूरी विधि। सज गई राम बारात संतों का साथ, जनकपुर में 3 दिसंबर से ही उत्सव का आयोजन होगा। 3 दिसंबर को रामार्चा महायज्ञ से होगी शुरुआत, रामलीला की प्रस्तुति से पहले गणेश वंदना होगी। 4 दिसंबर को फुलवारी सायं गीत का आयोजन होगा। 5 दिसंबर को छप्पन भोग का आयोजन होगा। जनकपुर की भाषा में इसे कुंवर कलेवा के नाम से जानते हैं। बड़ा सवाल ये भी कि इस बार क्यों है खास श्री राम की बारात का ये दृश्य। इस बार कुछ खास है बारात, श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली राम बारात, प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम सीता का विवाह कुछ खास। करोड़ों की लागत से पूरा खाका तैयार किया गया, रथों को तैयार करने में बड़ी लागत इस्तेमाल हुई। अयोध्या के संत महंत दशरथ जनक और महर्षि की भूमिका में नजर आएंगे। उत्सव की तैयारियां हर ओर तेज हैं। विवाह के कार्ड मंदिरों में बटने लगे हैं। रामनगरी के चुनिंदा मंदिरों में राम विवाह उत्सव पूरे भाव चाव से मनाया गया है। इसमें दशरथ महल, लक्ष्मण किला, विआहूति भवन, रंग महल, राम हर्षण कुंज, कनक भवन, राम सखी मंदिर और जानकी महल प्रमुख हैं। अब तो सिर्फ इंतजार है उस घड़ी का जब 6 दिसंबर की प्रात बेला में भगवान राम का विवाह मां सीता के साथ होगा और ये विहंगम दृश्य की साक्षी पूरी दुनिया एक बार फिर से बनेगी। टीम न्यूज़ स्टेट।